अज़बल मिनिशैताजी बसमिल्रम्लमदिल्ल वसलासलाम्ला नबी अबादा हज़रत ग्राम्रसलाम्कम व मैं सै सल चिश्ती ये गम्न ख़बर आप लोगों को सुनाते हुए आप यकीन जानिए कि इस वक्त दिल पारा पारा है जज्बात मजरू हैं और अवामन्नास की जो अक़ीदतें नस्बतें इन लोगों से थी इन मक्कारों से इन अयारों से वो उनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं मैं बात कर रहा हूँ मौलाना हाशमी अशरफी के लड़के दो नंबर लड़के सुबहानी अशरफी की और ये जो दो नंबर है इसने काम भी दो नंबर करके दिखाया है यकीन जानिए ये इनकी तमाम हकीक़तें जिनसे मैं तवील अरसे वाकिफ़ था लेकिन ये सोच के खामोश रहा कि उम्मत में मज़ीद इंतशार न फैले लेकिन अब चूँकि ये इनकी हकीकत ज़ाहिर हो चुकी है तो अब मुझे कहने में कोई कबाहत नहीं है इनके जो किरदार इनका कैरेक्टर इस वीडियो में सामने आया आप देख रहे होंगे कि किस तरह रक़ करते हुए एक अयाश तबीयत का एक बिगड़ा हुआ लड़का जाहिर सी बात है इसकी तरबियत अगर ऐसी है इससे पहले आपने देखा कि हमजा शरफ़ी का क्या मामला रहा उसके बाद अब ये आगे और भी इस तरह के वाक़ आपके सामने आएंगे लेकिन एक हकीकत कड़वी हकीकत ये है कि आप उस वक्त भी अपनी आँखों पर हाथ रख लेंगे क्यों क्योंकि आप उस खोखली बदतरीन झूठी अक़दत के मारे हैं कि आप हशरतक पानी नहीं मांगेंगे आपको उस अकीदत ने काटा है उस अकीदत ने आपको डसा है उस खोखली और छोटी जहरीली अकीदत में तो फिर आप लोगों का मुकद्दर यही है कि अपनी आखिरत को इन मकारों के हाथ में देकर बर्बाद कर, कर लीजिए या फिर मुनज़म और मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ एक मुहिम चलाइए ताकि आने वाली नस्लों की अकीदतें, उनकी आखिरत उनका ईमान इनके हाथों में जाके तबाह हो बर्बाद न हो ये बात मुझे कहते हुए ज़र्रा बराबर भी ना ख़ौफ़ है न डर है मैं जब किसी के लिए बोलता हूँ तो दूसरे ग्रुप का मैसेज आता है कि आप इनके लिए बोलते हैं उनके लिए क्यों नहीं तो ये मैंने अपना हकदा किया है कि अगर मैं किसी गैर को कहने की हिम्मत रखता हूँ तो अपनों को पहले ये मिजाज मेरा शुरू से रहा है मैं इसमें किसी भी किस्म की रियायत नहीं करता हती कि अगर मेरा सगा भाई भी होता और वो ऐसा काम करता ऐसा काम अंजाम देता तो खुदा की कसम में एक सेकंड भी नहीं हिचके जाता उसकी नकाब कुशाई करते हुए भी तो फिर आप लोगों को ये समझना होगा कि ये आपके ईमान और अकीदे का मामला है ऐसे जाहिल फ्रॉड और मक्कार पीरों के हाथों में अपना ईमान देकर आप अपनी आखिरत तबाह करना चाहते हैं या फिर इनके चेहरे को स्याह करके उम्मत के सामने एक मिसाल क़ायम करना चाहते हैं कि अब हम बाल हैं अब हम बाूर हो चुके हैं अब हमें इस तरह कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आप ये वीडियो देख लीजिएगा और ख़ुद फैसला करिएगा कि मेरी बातों में कितना सच है और कितना झूठ है ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ और मैं उससे भी ज़्यादा गमगीन इस बात से हूँ कि ये इस बयान के बाद में फिर इनके जो अंधभक्त हैं वो हम ही पर अंगश्तनुमाई करेंगे हम ही पे कीचड़ उछालेंगे हम ही को कटकरे में खड़ा करेंगे लेकिन मुझे ख़ुदा की कसम किसी का खौफ नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा दिल मुतमईन है कि मैं हक़ बयान कर रहा हूँ अब अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे मेरी कौम की आखिरत का उसके ईमान का फ़िक्र है परवाह है ये सोचकर मैंने ये बयान दिया आप लोगों की ईमान का तकाजा है आप इस बयान को किस तरह लेते हैं और क्या फैसला करते हैं अल्लाह हम सब का हावी नासिर है हमें सही दामनों से वाबस्ता फरमाए ना कि इन फ्रॉडों के हाथ में हमारा ईमान जाकर तबाह हो बर्बाद हो असल वरहुल्ल